व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। इस समय मैं प्रगति मैदान आई हुई हूँ और आज डेट है 24 नवंबर और 3:30 का टाइम हो रहा है। और ये जो है मैं अंदर जा रही हूँ हॉल नंबर 11 की तरफ। और जाते जाते हाँ, मैं भी बता रही थी आपको कि ये लोग सेल्फी ले रहे हैं बच्चे। और ये जो प्रगति मैदान है वो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक है। और अगर आपको शॉपिंग करनी है और थोड़ी मतलब कम रेट करना है तो 26 और 27 को आप शॉपिंग करने कीजिएगा, उस दिन वो थोड़ा रेट कम कर देते हैं। और यहाँ पे मतलब हॉल्स बहुत सारे हॉल्स हैं, पर फूड कोर्ट भी हैं, कई जगह आपको फूड कोर्ट दिखेंगे। और खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं। खाना महंगा तो है पर खाने वाले खाते ही हैं। चाय 30 रुपीज़ का एक कप है। और ये हॉल नंबर 11 से पहले फूड कोर्ट था, तो मैंने कहा फूड कोर्ट दिखा दो। यहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे थे खाना। हाँ, ये देखिए फूड कोर्ट और ये बिरयानी वगैरह, इसके रेट वगैरह भी मैंने कहा थोड़े दिखाई दो। ये देखिए रेट दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए बिरयानी वगैरह के रेट हैं। हेलो व्यूअर, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्टॉल लगा हुआ है हॉल नंबर 11 में, एंट्री के पास ही, एंट्री करते ही लगा हुआ है। और इसमें आपको दिखाती है, देखिए शिप का मॉडल रखा हुआ है इन्होंने शीशे में, समुद्री जहाज का, और इसके बारे में भी बता रखा है। भीड़ यहाँ पे भी ज़्यादा थी, पर सारे हॉलों में बहुत भीड़ थी। और ये देखिए पूरा धरती का वो ग्लोब, मतलब पूरा वो मॉडल दिखाया हुआ है पूरा धरती का, ठीक है, हमारी पृथ्वी के बारे में मतलब। और आगे दिखाती हूँ आपको मैं, यहाँ पे ना साइड में वो रखा हुआ था एक्वेरियम, तो लोग उसको ध्यान से देख भी रहे थे। बाकी तो यहाँ पे पोस्टर ही लगे हुए थे और कुछ खास नहीं था। अंदर मैं घूम के आई थी, ये बस यहाँ पे लोग देखो फोटो ले रहे हैं, मैंने भी ली थी। एक ये एक्वेरियम है और इसमें देखो समुंदर के अंदर जो चीज़ें होती है ना वो दिखाई गई उन्होंने, मतलब कि। हेलो व्यूअर्स, इस समय हम प्रगति मैदान में हैं। मैं घर से 2:30 बजे निकली थी और 3:30 बजे हम प्रगति मैदान पहुँच गए थे। यह हॉल नंबर 11 है और इसकी एंट्री में ही एकदम से ही ये मेला माइन की दुकान है, जिसमें 499 यानी कि 500 रुपये किलो के हिसाब से ये बर्तन मिलते हैं। हर साल ही मैं कुछ ना कुछ बर्तन लेती हूँ, मेरी गंदी आदत है, चाहे बाद में यूज़ होना हो पर मैं ले लेती हूँ। इस बार भी मुझे बड़ा सा कप पसंद आया है और 2 और बर्तन पसंद आए हैं, पर पता नहीं लेके देंगे कि नहीं, हस्बैंड वो देखेंगे। पर अभी ये इस तरह की बहुत दुकानें हैं, अलग अलग हॉलों में ही बहुत दुकानें हैं इस तरह की। ये देखिए पर्सेस हैं यहाँ पे, 1000 रुपये में दो, मतलब 999 में दो। और यहाँ पे भीड़ देखिए आप, कितनी भीड़ है। मुझे तो बस घुटन होने लग गई थी, इतनी भीड़ में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने हस्बैंड को कहा था हेल्प कर दो, उन्होंने की नहीं, मुझे खुद ही बनानी पड़ी जैसी भी बनी। व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह की दुकानें आपको हर हाल में बहुत अलग अलग बहुत सारी मिल जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी अपने काम की चीज़ें होती हैं। ये देखिए स्टीम प्रेस है, बहुत भीड़ थी तो मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई। ये कपड़े को हैंगर में लगे लगे आप प्रेस कर सकते हो और साथ में स्टीम का काम भी करता है, मतलब कि आप जुकाम वगैरह में भी स्टीम ले सकते हो। देखिए भीड़ देखिए यहाँ पर, ये फिरकनियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने कई जगह देखी हैं, कभी कभी सोची मैं खरीद लूँ पर करूँगी क्या, ये तो बच्चों के काम की चीज़ है। और बाकी जो है देखो भीड़ को देखो आप ज़रा, हॉल नंबर 11 का ये हाल है अभी, वो भी 24 तारीख को। और ये देखिए हमारे काम की दुकान है, मतलब हमारे काम की, लेडीज़ के काम की चीज़ें इसमें। हाँ हेलो व्यूअर्स, यहाँ देखिए यहाँ पे ना क्रॉक्स का स्टॉल लगा हुआ है हॉल नंबर 11 में ही। यहाँ पे ना यहाँ पे आपको वुडलैंड का भी मिलेगा और एक दो और नई नई कंपनियाँ थी उनके मिलेंगे। क्रॉक्स के जूते तो मैं ज़्यादातर कई सालों से ले रही हूँ, जो मैं पहन के हमेशा रखती हूँ वो तो क्रॉक्स, वो भी क्रॉक्स के हैं जिनको मैंने आज तक नहीं छोड़ा, इतने लाइट हैं, इतने मेरे को पसंद हैं। और वैसे इसके अलावा भी हम कई जोड़े क्रॉक्स के ले चुके हैं जो कि बहुत लाइट होते हैं, बहुत कम्फर्टेबल होते हैं और बहुत मतलब ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, सालों साल चलते हैं, पर महंगे भी बहुत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, मेरे ख्याल से शोरूम में तो वो भी नहीं मिलने वाली। तो क्या होता है कि जो हम मैं जितने भी अभी तक क्रॉक्स के मैंने लिए हैं वो हमारे 3 शेयर हो जाते हैं। कुछ मतलब कि बच्चों को जो पसंद है वो ले लेते हैं, जो मुझे पसंद है मैं ले लेती हूँ, कई बार मैं अपने लिए लाती हूँ, ले बच्चे लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे लेदर की वो मैंने दिखाई थी बेल्टें, और इसके अलावा यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल रही है, कपड़े भी मिल रहे हैं, सूट भी मिल रहे हैं लेडीज़ जेंट्स के, हर चीज़ लेडीज़ के काम की चीज़ें और ज्वेलरी वगैरह आर्टिफिशियल वाली, ये कांच के देखो बर्तन है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे कुछ दिखा रहे थे पर मैं गुस्से के मारे देख नहीं रही थी क्योंकि वो मेरी वीडियो बनाने में हेल्प नहीं कर रहे थे।
हेलो व्यूअर्स, मैं 11 नंबर हॉल के बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा था। वो हेल्प नहीं कर रहे थे तो अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत घुटन हो रही थी मुझे, और मैं बाहर बैठ गई थी और बैठ के जो खाने का सामान लाई थी आधा आधा मैंने खा लिया, आधा इनके लिए रख लिया। और बाद देखिए आप, पुलिस कितनी लगी हुई है, मतलब अरेंजमेंट अच्छा है पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये ग्रीन गाड़ी आके मेरे पास रुकी ना तो मैं फिर वीडियो बनाने बैठ गई। तो उसके बाद फिर मैं अंदर भी चली गई थी, खा पी के फिर अंदर चली गई। मैं कहा उनको ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ गए, तो बाद में नहीं तो दिक्कत हो जाए। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारे काम की दुकान है। यहाँ पे हींग वगैरह बहुत सारी मतलब तरह की चीज़ें मिल रही काम की। ये भी, ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको पीपल का, इसको हर साल मैं लालची निगाहों से देखती हूँ, पर मेरे हस्बैंड ऐसे हैं बड़े, इनके लेके नहीं देते। ये पत्ते देखिए पीपल के, और ये कितना अच्छा लग रहा है, मतलब डेकोरेशन का सामान कितना, पर महंगा भी तो है ना, ये देखिए। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, ये इसका स्टॉल देखिएगा ज़रा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो इसको देखिए, ये वो ना ये बेड के ऊपर चला रखा है और एक नीचे भी चला रखा है इन्होंने, तो ये किस तरह से ये सफाई करता है वैक्यूम से। और ये बस उसकी सेटिंग कर दो और ये सफाई करनी शुरू कर देता है, झाड़ू लगा देता मतलब पूरा, पोचे का काम नहीं करता, ठीक है। और ये इसका ना अलग अलग प्राइस था, 10,000, 20,000, 30,000। ये नीचे चल रहा है ना जो 20,700 रुपये का है, ये देखिए मंजी के नीचे घुसेगा अभी। मेरा बस चला तो मैं ये भी ले लूँ। हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे हॉल नंबर 8, 9, 10 और 11, ठीक है। और ये जो है सारा ये हॉल एक साथ ही है, पूरे एक ही हॉल में सारे हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो जो भी आपने देखा ना, वो बच्चों का, वो जो उसको छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है, ये बड़ी बड़ी घड़ियाँ हैं। और ये देखिए सेल्फी ली जा रही है आराम से, तो मैंने सोचा मैं अभी क्यों ना वीडियो बना लूँ वो सेल्फी। ये देखिए हेल्थ से रिलेटेड स्टॉल है, यहाँ पे वाइब्रेशन वाली मशीन पे लोग खड़े हैं, ये देखिए दो अलग अलग मशीनें वाइब्रेशन वाली। और ऊपर जो है वो रोटी मेकर भी दिखा रखा है और वो फुट मसाजर भी दिखा रखा है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे दिखाती हूँ आपको मैं। ये अभी तक सेल्फी ही ले लिए जा रहे हैं बेचारे, अभी तक हुई नहीं उनकी, घड़ी के साथ, बड़ी वाली घड़ी के साथ, ठीक है। लव यूर्स, थक कर एक जगह बैठ गई थी मैं, बैठकर पानी वानी पी के फिर वीडियो स्टार्ट कर दी मैंने, क्योंकि असल में ना मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी इस हॉल में, वो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैं थक गई थी। फिर मैं बैठ गई और फिर बैठ के फिर थोड़े देर रिलैक्स करने का फिर लग गई वीडियो बनाने में, बैठे बैठे ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से आपको दिखाती हूँ कि वो रिलैक्सो की चप्पल का स्टॉल है सामने जो दिख रहा है, और उसके बाद वो रेमंड्स का वो है, वहाँ पर रेमंड्स के कपड़े भी मिल रहे होंगे। तो और देखिए खा पी के गंद मचा दिया लोगों ने, काम ही। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए बेला माइन के बर्तनों की दुकान फिर आ गई, प्लास्टिक के बर्तनों की, पर अच्छी लग रही है ना, देखो कितने सुंदर, मतलब अच्छी क्वालिटी के बर्तन है, ऐसी बात नहीं है। और ये देखिए, ये आपको दिखाती हूँ, ये दुकान बहुत ही प्यारी है, ये ना किस शीशे के आएंगे, इतने अच्छी उस पर नक्काशी की हुई है, इतना सुंदर ये दुकान है, ये बहुत ही प्यारी दुकान है। व्यूअर्स, ये दुकान देखिए कितनी सुंदर है, यहाँ पर जो है ना, ये देखिए छत पर टांगने वाले शैंडलर्स हैं, ये बहुत लाइट्स हैं छत पर लगाने वाली, और हैंगिंग लाइट्स हैं जैसे जिसे कह सकते हैं, बहुत कॉस्टली हैं, शीशे के बनी हुई हैं। इस पर देखिए सुंदर कितने डिजाइन उसके, बहुत सुंदर हैं और बहुत कॉस्टली हैं। हर साल मैं इन चीज़ों लाइटों को बहुत लालची निगाहों से देखती हूँ ताकि मैं कोई एक लाइट ले सकूँ, पर महंगी बहुत हैं इसलिए रेट सुनकर ही हस्बैंड पीछे हो जाते हैं, ठीक है। पर हैं बहुत प्यारी हैं, और नीचे सामान भी इनके पास बहुत सुंदर सुंदर है, पर बहुत ही महंगा है। और अच्छी दुकान है बहुत, यहाँ पे कई लोग सेल्फी ले रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, तो मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ वीडियो, ठीक है। तो मैंने इस तरह से, चलिए दिखाती हूँ आपको, ये शैंडलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये जो छत पे टांगने वाली हैंगिंग लाइट्स हैं। ये दुकान जो थी ना सबके आकर्षण का केंद्र थी ये स्टॉल, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, वैसे भी देखें नीचे भी जो ये लाइटें बहुत सुंदर लग रही है, हर साल मैं इनको लालची निगाहों से देखती हूँ। ये सामान जो नीचे भी इन्होंने रखा है ये भी अच्छा लग रहा है, पर एक एक कई लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये जो है ना है महंगा है। बस वही है ना, जो बाहर का सामान होता है, फॉरेन का सामान होता है ना, वो महंगा ही होता है। और पर दुकान बहुत सुंदर है, यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी लंबी लंबा स्टॉल था ये, ठीक है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी लाइटें, ये देखिए। चलो मैं आगे जा रही हूँ, मैंने कहा आगे आगे भी लेती हूँ। ये देखिए मैडम फोटो खींच रही थी, और आगे दिखाती हूँ। भीड़ देखो कितनी है, इतनी भीड़ में ना वीडियो बनाने भी प्रॉब्लम ही है। अब आगे देखिए कपड़े की दुकान आ रही है, वो देखिए लेडीज़ के कपड़े सामने, वो तो कुर्ते कुर्ते दिख रहे हैं, ठीक है। तो
कपड़ों की दुकानें काफी हैं, स्टॉल काफी हैं, सेंडलर्स हैं। और ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो थे ना अभी, वो ब्लू कलर के नजर बट्टू थे, ये मैं भी लेकर आई थी जब मैं टीवी देखती थी, उसमें दिखाते थे वो ब्लू कलर के नजर बट्टू, मैं भी लेकर आई, मेरे पास भी है। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए सामने स्टॉल, ये नेपाल का है, यहाँ पे नेपाल की चीज़ें, देखिए मालाएँ वगैरह और ये सारी, परंतु दो स्टॉल थे इनके। और ये देख कुछ कपड़े भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिएगा आगे मैं दिखाती हूँ आपको। भीड़ काफ़ी थी इसलिए मैं दूर से ही ले कर रही थी। ये देखिए रुद्राक्ष की मालाएँ, ये भी नेपाल का ही है लिखा हुआ है, देखिए वो मालाएँ टंगी हुई हैं रुद्राक्ष के साथ में। वो देखिए डिजाइन में वो जो होते हैं ना चाकू टाइप के, वो रखे हैं जैसे कृपाण छोटी होती है, उस टाइप का चीज़ है वो, डिजाइनदार है वो। और ये झंडा भी अभी आपको दिखाऊंगी, ये रहा झंडा नेपाल का, ये देखिएगा। और ये आग घूमते घूमते ना मैं 8 और 9 हॉल में आ गई थी, ये सारा एक ही साथ था हॉल, 11 से स्टार्ट होता है, 11, 10, 9 और 8। तो 8 और 9 जो है उसमें आपके जो है वो फॉरनर की जो बाहर की जो कंट्रीज हैं उनका स्टॉल लगा हुआ है 8 और 9 में। हेलो व्यूअर्स, इस समय हम हैं ये हॉल नंबर 9 में, और 9 में आपको पता है 8 और 9 में फॉरनर पार्टिसिपेंट की जो कंट्रीज हैं जो फॉरनर, वो उनका हॉल लगा हुआ है। और ये देखिए 9 में क्या ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा नज़र आएगा, ये जो इन्होंने मालाएँ बना के टांगी हुई है ना ऊपर, ये अंजीर है, अंजीर ये हर साल के साल हम भी लेकर आते हैं। देखिए ये 39th IIT का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पे आपको काली किशमिश और काजू बादाम अखरोट ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की अंजीर और जो केले को सुखा के बनाना के चिप्स होते हैं वो, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पर होती महंगी हैं। और ये देखिए कारपेट की एक छोटी सी दुकान स्टॉल है एक छोटा सा, और बाकी देखिएगा आगे। अभी बस ज़्यादातर आपको इस हॉल पे जो ड्राई फ्रूट्स ही नज़र आएगा, जिसको ख़रीदना है वो इस हॉल पे आ सकता है 8 और 9 में, जिनको फॉरनर मतलब कंट्रीज जो हैं उनका देखना है तो यहाँ आ सकता है। ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं, रेट ज़्यादा है उनका, पर जो जिन लोगों ने लेना वो लेते ही हैं। बादाम भी कई वेराइटी के यहाँ पर, क्योंकि मैं ये जो हॉल है ना, मतलब इसमें प्रगति मैदान में मैं शादी के बाद से ही आ रही हूँ, हर साल आती हूँ, पर आज तक मैं पूरा प्रगति मैदान कभी नहीं देख पाई। और इस समय तो प्रगति मैदान में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो इसलिए थोड़ा मतलब पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा एरिया में लगाई है। और आपको पता ही है कि आपका जब बिजनेस आवर था तो इसकी टिकट थी, मतलब कि 14 से 18 तक बिजनेस का था तब ये इसकी टिकट थी 500 रुपीज़, और अब इस समय टिकट कम है इसकी, 60 रुपये है, और पर वीकेंड में 120 है टिकट, सैटरडे संडे टिकट डबल है, 120 टिकट है। और देखिए बस ये आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा आगे, और बस मेरे साथ साथ आप भी प्रगति मैदान का आनंद लीजिएगा। और ये देखिएगा सारी वीडियो मैं ही बना रही थी, हस्बैंड को तो घूमने का बहुत शौक है ना, वो नई नई चीज़ें देखने का उनको बहुत क्रेज है। हम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार।